सांसद ज्योतिराज सिंधिया की राजपुर में हुई सभा के दौरान कई भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी आज कांग्रेस का दामन थामा। आसपास के इलाकों में काम करने वाले भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपनी पार्टी को छोड़कर यहां बीजेपी के छोड़कर कांग्रेस की सदस्यता ली है। जिन लोगों ने सदस्यता ली है उसमें एक प्रमुख नाम बायंगा के पूर्व सरपंच परमाल सिंह यादव का माना जा रहा है। परमाल सिंह यादव को न केवल बायंगा के सरपंच के तौर पर जाना जाता है बल्कि वर्तमान में अशोकनगर मंडी अध्यक्ष और भाजपा के नेता अजय यादव के ससुर भी हैं। उल्लेखनीय है कि अशोकनगर जिले के कद्दावर नेता रहे देसराज सिंह यादव के समधी और वर्तमान में भाजपा के जिला पंचायत अध्यक्ष भाई साहब यादव की भी समधी है। इस तरह एक बड़े राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखने वाले एक व्यक्ति ने आज भाजपा की रीति नीतियां और उसकी जो है आलोचना करते हुए या उनके कामों से नाराज होकर कांग्रेस का फिर से दामन थाम लिया है। परमाल सिंह का कहना है कि वैसे तो वह लंबे समय से कांग्रेस के लिए काम करते रहे थे मगर बीच में अपने परिजनों के या अपने रिश्तेदारों के भी भाजपा में होने और विभिन्न पदों पर उनके होने के कारण कई बार बीजेपी के लिए वो काम करते रहे हैं मगर जब से बीजेपी ने वादा खिलाफियाँ की हैं खासकर किसानों को लेकर उनकी योजनाएं विफल हुई हैं उनका भाजपा से मोह भंग हो गया है और फिर से उन्होंने कांग्रेस का काम या कांग्रेस के काम करने का संकल्प लिया है।